हेलो दोस्तों, आज शेयर मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल गई और कल 1 नवंबर 2022 को इंडियन मार्केट कैसे रहेगा, आज के ग्लोबल मार्केट के संकेत हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कल के मार्केट लिए, कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि निफ्टी आज सुबह जब भी ओपन हुआ तो उसका 17,948 पर आज ओपन हुआ और आज का हाई जो लगाया उसने 18,061 का हाई दिया है आज का, और लो दिया है आज का 17,948 का आज का लो दिया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी यहाँ पे देखिए, मैं शुरू से मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया। ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका, ठीक है। तो कल के लिए निफ्टी में रेजिस्टेंस होगा 18,200 का रेजिस्टेंस होगा, 18,200 का रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट रहेगा 17,900 का, सपोर्ट रहेगा, क्योंकि 18,200 पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और 17,900 का भी पुट साइड पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी भी आज पॉजिटिव रहने में कामयाब रहा। जैसे कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का अभी करंट प्राइस है 48,468 आज का क्लोजिंग प्राइस है। जैसे आज का हाई प्राइस है बैंक निफ्टी का, वो है 41,522 41,522 आज का बैंक निफ्टी का हाई है और आज का लो है 41,270 ये आज का लो हो गया है। कल के लिए यानी कि 1 नवंबर 2022 को बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होता है 41,500 का रेजिस्टेंस होगा और 41,000 का सपोर्ट होगा, 41,000 का सपोर्ट होगा, 41,000 का सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादातर करते हो तो मेरे पास ट्रेड प्लस ऑनलाइन जो शेयर स्टॉक ब्रोकर है उनका, अगर आप 499 का प्लान लेते हो तो आपको अनलिमिटेड ट्रेडिंग आपको मिलता है, वो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ। 499 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड ट्रेडिंग फ्री आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से आप 10 से 15 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ब्रोकर्स का नाम है ट्रेड प्लस ऑनलाइन, ट्रेड ये नविया मार्केटिंग का पार्ट है, ट्रेड प्लस ऑनलाइन। अभी हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट के हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट अभी हम देख रहे हैं
देखो एचजी निफ्टी अभी 18,088 मतलब 18,088 पर कम कर रहा है, लगभग 27, मतलब कल के लिए मार्केट थोड़ा सा फ्लैट साइड ओपन होगा। जैसे ही निफ्टी ओपन होगा 30-40 पॉइंट ऊपर हो गैप अप ओपन होगा, लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चलेगा, मगर अभी के लिए तो थोड़ा सा फ्लैट है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। डाउ जोन तो ऐसे संकेत दे रहा है कि कल निफ्टी निगेटिव ही ओपन होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 32,700 के आसपास 290 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है डाउ जोन्स। नज़दाक है 11,411, 175 पॉइंट नीचे, 175 पॉइंट नीचे है। डैक्स 13,287, 43 पॉइंट नीचे है। निक्केई 27,491 और 41 पॉइंट, लगभग 40 पॉइंट डाउन है। तो कल के लिए मार्केट थोड़ा सा फ्लैट साइड ही ओपन होगा, अगर ओपन भी होता है प्लस साइड तो भी 30-40 गैप अप ओपन होगा, और डाउन साइड भी ओपन हुआ तो भी 40-50 पॉइंट तक गैप डाउन ओपन होना संभावित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसे ही अपडेट आपको हर दिन देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय।